क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, चलिए इससे डिसाइड हुआ कि एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से और स्मॉल है। चलिए, सच डेट टेन ए इक्वल टू 1/3, टेन बी इक्वल टू 1/2 एंड टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 - 10a इंटू 10b। तो सच डेट ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यही तो प्रूफ करना है, सो डेट दिखाना है। तो चलिए कैसे देखिएगा, गिवन पहले लिखेंगे क्या, गिवन मैथमेटिक्स इसी तरीके से बनाया जाता है। तो टेन ए इक्वल टू कितनी है, 1/3 एंड 10। जब हमको नज़र पड़ जाए ना तो स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, नज़र पड़ गया है अब सब चीज़ मालूम है। तो चलिए स्पीड के साथ टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 - 10a इंटू 10b दिया हुआ है। चलिए इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, टेन ए हाउ मच, 1/3, चलिए ओके, 10b 1/2, चलिए ओके, ठीक है, बाई में 1 - 10a यानी कि 1/3 इंटू 10b 1/2, क्लियर है। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6, चलिए 6 हमने लिख दिया और यहाँ पर 3 6 तो 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 1 तो 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर बड़ा, तो यहाँ पर 3 6 हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो बाई 1 कर देते हैं, देखिए 1/1 - 1/6 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बराबर मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा फिर लिखेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं कि 2 5/6 आ चुका है, ठीक है, इक्वल में 6 - 1/6 हो जाएगा। अच्छा 6 5/6 और ये कैंसिल हो गया ना, क्लियर है। अच्छा देखते हैं, 5 है और 6 में से 1 माइनस होगा 5, ओ माय गॉड, ये भी तो यानी कि कहने का मतलब 1 आया है, तो किसका बदले, इसका वैल्यू 1 आया है, ध्यान से सुनिए, इसका वैल्यू 1 आया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि टेन ए इक्वल टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 1। तो 1 किसका वैल्यू होता है, 10 के फॉर्म में देखना है, 10 के फॉर्म में देखना है, 1 किसका वैल्यू होता है, 10 45। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस बी इक्वल टू 10 45। देखिए यहाँ पर 10 45 का वैल्यू कितनी होती है, 10 45 इक्वल टू 1, तो हमने 1 के बदले 10 45 लिख दिया। चलिए यानी कि ऑन कंपेयरिंग कट नहीं करना है, ऑन कंपेयरिंग तो हम कंपेयर कर लिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो जैसे में कि हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं ना, तो ऑन कंपेयरिंग का मतलब ही होता है कि हम दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 45, यही प्रूफ कर रहे थे क्या, देखिए प्रूफ करना था ना, यानी कि दिखाना था, तो चलिए हमने दिखा दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए यूजिंग फॉर्मूला टेन 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 - 10a² ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इट बीइंग गिवन दैट 10 30 इक्वल टू 1/√3। तो क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है, चलिए यूज करते हैं, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हमने क्या बोला, यहाँ पर लिखा हुआ 10 30, चलिए यहाँ पर 10 2a दिया है, तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, 10 30 इक्वल टू 1/√3 लिख दिया, दिया है तो लिख दिया। चलिए यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 60, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर 10 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 - 10² a दिया हुआ है, क्लियर है इतना। अच्छा तो यहाँ पर देखिए 10 2 एक जगह पर अगर हम 30 रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जगह पर अगर हम 30 रखते हैं, 30 तो कोई बात नहीं, एक जगह पर रख रहे हैं, देखिए क्या रख रहे हैं, एक जगह पर हम रख दिए 30,
क्लियर है? तो देखिए, तो जब रखेंगे 1030 तो यहाँ पर 1060 का तो वैल्यू निकालना है ना। देखिए लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060। चलिए तो यहाँ पर 2 10 30 एक जगह पर 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, दिक्कत कैसे होगा? जो आप रवि सर के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब मैथ हवा में उड़ा देंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 2 10 30 का वैल्यू सी दिया हुआ है 1/√3। चलिए लिख दिया हमने 1 माइनस 1/√3। 1030 का वैल्यू होता है स्क्वायर है, हमने यहाँ स्क्वायर दे दिया। चलिए तो यहाँ पर 1060 यहाँ हमने लिख रखा। चलिए तो यहाँ पर जो वैल्यूज है कितनी है, वो 2/√3 हमने यहाँ लिख रखा। और देखिए यहाँ पर इसको हमने घेर दिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3। वी कैन राइट ना 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो बाई में 1 लिख सकते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से 2/√3, ठीक है, यहाँ 3 माइनस 1/2 लिख सकते हैं और 2 को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या सॉरी यहाँ 3 ना होगा 3 और 3 को ऊपर लेके जाएंगे। देखिएगा 2/√3 एंड 3 हो गया और 3 में से 1 जाएगा 2, तो चलिए 2 2 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 3√3, तो नीचे √3 है ना, ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। चलिए तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3√3 हो जाएगी और √3 √3 3, क्योंकि हमने बताया है कि जो भी बॉक्स के अंदर रहेगा, बॉक्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो जानदार होगा, ठीक है। तो देखिए √a √a हो गया तो √3 √3 3 हो जाएगा, कट गया। तो देखिए 1060 का वैल्यू कितनी आ चुकी है 1060√3, दिस इज योर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला cos a इक्वल टू √1 + cos 2a/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, क्लियर है? अच्छा, इट बीइंग गिवन दैट cos 60° = 1/2 ये दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखिए cos 30 का वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, 60 दिया हुआ है और यहाँ पर 2a के फॉर्म में दिया है, यानी कि 2 into a, यानी कि 2 into 30 यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि a = 30। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन गिवेन cos 60° = 1/2, क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर हम लेते हैं cos 30, यानी कि a एंगल ले रहे हैं, देखिए cos 30 यानी कि a = 30, क्लियर है? अब हम बात करते हैं cos a, यानी कि cos 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए √1 प्लस देखिएगा cos 2 into 30, क्लियर है ना, कहीं दिक्कत, ओके, बाई 2। चलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos 2 into 30 यानी कि cos 60 by 2, ओके। अब हम लिख सकते हैं इसको, देखते जाइएगा, आप ही लोग से पूछ कर लिख रहे हैं, 1/2 लिख सकते हैं by 2, कुछ नहीं तो by 1 में यहाँ भी लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, जब यहाँ लिख ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका एलसीएम कितना होगा 2। चलिए हमने 2 लिखा, 2 + 1 by 2, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं करके हम ऐसा लिख देते हैं 2 यहाँ, तो ये बाय में 2 है ना, तो चलिए 2 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 + 1 3, चलिए 4 हो गया। अच्छा,
अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, तो देखिए कॉस 30 का वैल्यू आ चुका है, कॉस 30 इक्वल टू रूट 3 और 4 का क्या होगा 2। दिस इज योर आंसर। कॉस 30 का वैल्यू निकालनी थी, कॉस 30 का वैल्यू आया रूट 3/2 आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन थीटा का वैल्यूज निकालनी है। ओके क्लियर हो गया किसका वैल्यूज निकालनी है। इट बींग गिवन दैट कॉस 60 इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है, कॉस 60 इक्वल टू 1/2 तो कोई बात नहीं, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। समझिए कि ये हमारा लॉलीपॉप है, ठीक है। देखिए कैसे, तो यानी कि एक तरीका मैं बता दूं कि साइन 30 का वैल्यूज निकालने हैं। ओके क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पर पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो कॉस 30 कॉस 60 इक्वल टू 1/2। चलिए तो यानी कि साइन 30 का वैल्यूज निकालनी है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए साइन ए, यानी कि साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a/2 यहाँ तक तो साफ है रास्ता। चलिए यानी कि ए इक्वल टू 30 हो चुका है, 1 माइनस कॉस 2 into 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है क्योंकि आप रवि सर के साथ हो। तो यहाँ पर देखा जाए कि 1 माइनस कॉस 60 हो गया, कॉस 60/2 यहाँ तक तो कोई दिक्कत, ओके दिक्कत होगा तो एकदम 60 सेकंड बोलना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर 1 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 दिया हुआ है, वैल्यू से निकालने की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है 2 कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। देखिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से और समझते रहिएगा, ठीक है, मस्ती से 2 - 1/2 यहाँ पर देखिएगा 2 है ना, तो यहाँ पर ये 2 तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, ठीक है, क्योंकि ये नीचे चलाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं 1/4, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यानी कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू इतना आ रहा है, तो साइन 30 इक्वल टू देखिए 1/√4 का क्या होगा 2, यानी कि ये आंसर क्यों कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर ए स्क्वायर है, मान लेते हैं ऐसा कंडीशन आता है, हमने बोला कि बॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, तो 1/a होता है, तो 1/4 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, चलिए इसको पहले नोट करिए। क्वेश्चन है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए हमको वैल्यूज निकालनी है साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। चलिए ये रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, देखिए और इस रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है तो दम रसगुल्ला जैसे खाते हैं मजे के साथ, वैसे ही इसका सोल्यूशन करेंगे मजे के साथ। देखिए साइन 75 डिग्री क्लियर है ना, इसके बदले हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन 45 प्लस 30 कोई दिक्कत यहाँ तक लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज़ देखिए इसका फॉर्मूला पर पैक करते हैं, इसको पैक करते हैं। चलिए ट्रेन आ चुकी है, आप ट्रेन पर जाने के लिए आप तैयार होइए। साइन 45 डिग्री इंटू इस फॉर्मूला पर अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, चलिए देखिए यहाँ पर प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, देखिए है ना क्लियर, इस फॉर्मूला पर बेस्ट हो गया। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 का वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू होती है 3/2, प्लस का साइन दिए कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत।
चलिए अब हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसका हो गया टू रूट टू और रूट थ्री, ठीक है, यहाँ पर वन बाई टू रूट टू। अच्छा इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, देखिए जब इसका एलसीएम निकालें तो टू रूट टू, ठीक है, तो यहाँ पर रूट थ्री प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया साइन 75 का आंसर आ चुका है। तो यानी कि हम एक बॉक्स बनाएंगे साइन 75 इक्वल टू, यहाँ पर हम बॉक्स बना करके आंसर लिख देंगे ताकि खूबसूरत दिखे। चलिए ये एक आंसर आ चुका है रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। चलिए अब हम इसमें आते हैं, ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, दम लाजवाब क्वेश्चन है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यूज निकालनी है, तो दम देखिए कैसे। अच्छा आप ही लोग से पूछ के लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिए कि सर जी को कुछ नहीं आता, ठीक है, देखिए आप लोग से। अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 45 माइनस 30, क्यों, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, क्लियर है। अच्छा इस अब इस फॉर्मूला पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए कॉस 45 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, अब माइनस है ना जी, तो माइनस है तो क्या हो जाए प्लस, अब देखिए प्लस है तो हो जाता है माइनस, अगर माइनस रहेगा यहाँ तो हो जाएगा प्लस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कॉस माइनस में दिया है तो चलिए इसको हम माइनस रख देते हैं और यहाँ हम प्लस रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लियर। चलिए तो यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया, अब हम कर सकते हैं इसको साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 का कितना वैल्यूज होती है, 1 बाई रूट टू, और कॉस 30 का रूट थ्री बाई टू, प्लस साइन 45 का 1 बाई रूट टू, साइन 30 का 1 बाई टू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यानी कि मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री बाई टू रूट टू और प्लस 1 बाई टू रूट टू, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं ना। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा टू रूट टू और यहाँ पर आ चुका है रूट थ्री प्लस वन। ओ माई गॉड, ये भी क्या देख रहा हूँ, इसको पहले इस तरह के यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर टू रूट टू और रूट थ्री प्लस वन, यानी कि किसका वैल्यू आया है, कॉस 15 का वैल्यू आया है, यानी कि कॉस 15, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है।